ये कुछ लोग हैं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया उसके हिसाब से, उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज़ कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूँ, वो हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज़ एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा प्लीज़ मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूँगा कि वो एक बार देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा उसे दबाने की क्या ज़रूरत थी, किस बात का डर था, वो सुन लेते थे लोग। जाना, सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है, और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया, तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं। जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखे पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम। यही मेरा प्रयास था, और मैं समझता हूं ऐसा